आखिर राजस्थान की एक महान रानी ने अपना सिर क्यों काट दिया। दरअसल बात उस समय की है जब सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह का विवाह हाड़ी रानी से हुआ। कुछ दिनों के बाद रतन सिंह को मेवाड़ के राणा ने एक संदेश भेजा। उस संदेश में लिखा था कि औरंगजेब की सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है और हमें आपकी मदद चाहिए। अब राव रतन सिंह की अभी अभी शादी हुई थी और वो युद्ध में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वे युद्ध में चले जाते हैं। युद्ध में पहुंचने के बाद रतन सिंह रानी को रोज एक संदेश भेजा करते थे। युद्ध का तीसरा दिन समाप्त होने पर राजा रतन सिंह ने रानी को एक संदेश भेजा और उनसे कोई निशानी देने को कहा। रानी ने जब उस संदेश को पढ़ा तो रानी बहुत परेशान हुई, क्योंकि रानी समझ गई थी कि अगर राजा रतन सिंह को युद्ध में जीतना है तो उन्हें अपने पत्नी मोह को खत्म करना होगा। और इसलिए निशानी के तौर पर रानी ने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर राजा रतन सिंह को भिजवा दिया। इस घटना के बाद राजा रतन सिंह ने औरंगजेब को युद्ध में हरा दिया।